अस्सलामुअलैकुम। गुज्जर फार्मिंग लिंक में सब दोस्तों का वेलकम करते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, इसलिए दबा लें कि मैं जो भी अपडेट देता हूँ अपने फार्म्स के बारे में, जो मैं ज़ाती तौर पे मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या जिन पे मेरी रिसर्चिंग चल रही है प्लांट्स के बारे में या पोल्ट्री के बारे में, तो मेरे सब दोस्तों को मिलती रहे। मेरा मिशन चैनल बनाने का मकसद ये है कि लोगों को लाखों करोड़ों के ख्वाब दिखाने की बजाय हकीकतन पे मबनी जो वीडियोस हैं वो बनाई जाए, ताकि दोस्तों को बताया जाए जितने भी भाई हैं, ताकि ये रिजल्ट्स हैं और ये सिस्टम चल रहे हैं। सम टाइम आपने वीडियोस में देखा होगा कि 10,000 चूज़ा रखें और 15 लाख रुपए कमाएं, और सम टाइम आपने देखा होगा 10,000 चूज़ा रखें तो 20 लाख रुपया कमाएं। ये मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल्स हैं, और मैंने ऑलरेडी जब ये चूज़ा डाला था तो इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है कि फरवरी 25 फरवरी को मैंने चूज़ा डाला था। तो मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने बताया हफाजती तदबीरें, चूज़ा डालने की हफाजती तदबीरें, वहाँ पे ये ऑलरेडी वीडियो है। अच्छा, अब बात मुख्तसर ये है कि क्या खोया क्या पाया। 60 दिन बाद हमने चूज़ा सेल किया, 25 फरवरी को डाला था, आज 3 मई आ गई है और आज से 4 से 5 दिन पहले ये चूज़ा सेल हो गया। कितना वेट हुआ, क्या रिजल्ट हुए, ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ सारा। ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे, 25 फरवरी को डाला था और 6,000 चूज़ा था, 21 रुपये का एक मिला था, और 1,26,000 के 6,000 चूज़ा हो गया। फीड का कितना खर्चा हुआ, फीड का टोटल 100 बैग लगे 60 दिन के, ये रिपोर्ट 60 दिन की बता रहा हूँ। 60 दिन में 100 बैग लगे हैं, 3200 रुपये का एक बैग था, 3,20,000 रुपये के बैग हो गए। मेडिसन, मेडिसन कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत ही आई हैं, हल्की फुल्की सी, क्योंकि जो न्यू फार्मर्स होंगे वो थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सम टाइम हमने भी आज से 2-3 साल पहले ये सारा काम शुरू किया तो लॉस हमने भी लिए थे पहले 2-3 फ्लॉक्स में। जब जूते पड़ते हैं तो सारी समझ आ जाती है, आस्ते आस्ते बंदा हर चीज़ का मास्टर बन जाता है। पहले कुछ, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेडिसिन टोटल 25,000 रुपये की, और इसमें मंगोरा का थोड़ा एक दो अटैक हुए थे तो वो हमने फेस किए और थोड़ी परेशानी भी बनी थी। मोर्टेलिटीज़ के बारे में भी मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। लेबर कॉस्ट 60,000 रुपया, 15,000 रुपये पे लड़का रखा था, दो लड़के रखे थे डे एंड नाइट। अब आते हैं हम मोर्टेलिटीज़ की तरफ। मोर्टेलिटी जो हुई है वो तकरीबन 6,000 चूज़े में से 500 चूज़े की हुई है, जिसमें से कुछ पाँव के नीचे आके मर गए। ज़्यादा मोर्टेलिटी पाँव के नीचे आके मर गए, लेबर लड़के नए थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बहरहाल बात यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो भी अब गुरु बन गए हैं, नेक्स्ट टाइम वो अच्छी केयर करेंगे। तो 500 मोर्टेलिटी है, जिसमें से कुछ एक दो वायरस की वजह से और कुछ पाँव के नीचे कहने पर टोटल मोर्टेलिटी है 500 हुई है। अब हमारे पास पीस बच गए 5,500। अच्छा, शेड का खर्चा, शेड रेंट पे था, 10,000 रुपये इसका खर्चा था, 1 महीने का रेंट और 20,000 रुपये रेंट का हो गया। बिजली का बिल डाल के और टोटल, क्योंकि फरवरी में हमने डाला था तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ी थी, बिजली का बिल और ये टोटल डाल के तकरीबन 14,000 रुपये खर्चा हो गया। ठीक हो गया। अब बात ऐसे है कि 5,500 चूज़ा जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम के कुछ भी, 400 ग्राम पट्टियाँ जो होती हैं, मुर्गी होती हैं, वो थोड़ा वेट उनका कम होता है 100 ग्राम 200 ग्राम मुर्गे से।
जिसमें मुर्गे नज़र आ रहे होंगे 500-600 ग्राम के होंगे, जो पठिया नज़र आ रही हो 400 ग्राम की होंगी, मतलब मिक्स माल था, मिक्स ही सारा सेल कर दिया। ये टोटल वेट जो है 5,500 चूज़े का जितना भी था, ये टोटल वेट इसका 3,000 kg बना है, और 255 पर केजी के हिसाब से हमने सेल किया। 3,000 kg वेट बना है सब चूज़ों का, और 255 पर केजी के हिसाब से हमने सेल किया, जिसमें दो चूज़े भी आ जाते हैं केजी में, तीन भी आ जाते हैं, दो भी आ जाते हैं, तो मतलब ये कि हमने सारा मुट्टा लगा दिया, टोटल वेट करवा के पेमेंट ले ली। अब ये 3,000 kg 255 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,65,000 रुपया बनता है। 7,65,000 रुपये में से आप जब ये जितनी कॉस्ट हैं, जिसमें चूज़ा बाय किया, फीड का, मेडिसिन का, लेबर का और शेड का, बिजली बिल्स का, जब ये आप निकालेंगे तो ये आपके पास 2 लाख रुपया बचता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपया बचते हैं। और ये जो 2 लाख है, ये तीन पार्टनर थे, चार शेयर हो गए, एक मेरा कज़न था, दो दोस्त, उनमें शेयरिंग हो गई। कहने का मकसद है कुल मिला के कि वो जो वीडियोस बनती हैं कि 5,000 मुर्गियाँ रखी और 20 लाख कमाए, तो बस हकीकतन वीडियोस बनानी चाहिए, चाहे दोस्तों जो न्यू फार्मर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। तो मेरे चैनल बनाने का मकसद यही है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह 10 तारीख या 15 तारीख में वीडियो अपलोड करूँगा, हाईलैंडर एक ब्रीड है, वो हम लेयर के लिए डाल रहे हैं, उसका 95% अंडा देती है, और उसके रिजल्ट सुना बड़े अच्छे हैं। वो 2025 हमने बुक करवाया, वो तो जैसे डालूंगा इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले कर, ताकि इसलिए कि यूट्यूब हमें रूटीन देता है या सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कि जो हकीकतन चीज़ें हैं वो दोस्तों तक पहुँचती रहें। और दुआओं में याद रखें, कीकर फार्मिंग और उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और लेडीज़ फिंगर का जो भिंडी का रिजल्ट है वो भी इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मैं